नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASP टेक्निकल सर्जी में स्वागत है। तो आज हम बताएं दोस्तों कि आज हम बात करेंगे सिविल ब्रांच का फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सिलेबस क्या है। जो भी लड़के लड़कियां पढ़ रही हैं सिविल ब्रांच से, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, आज हम उस विषय पर आप लोगों को बताएँगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, मैं आप लोग से बता दूं कि जो भी लोग हमारे चैनल्स पर नए हों, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी चीज़ें हम आप लोगों के लिए वीडियो बना कर डालते हैं वो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा, सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि अब भैया देखो, अब आप लोग इंजीनियर बन रहे हो, ठीक है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर आगे भी गया है सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब हम बात करेंगे इसका, इसमें सिलेबस क्या है। पहला क्या है दोस्तों, अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स क्या है दोस्तों, अब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें बेसिक यानी कि बेसिक फिजिक्स है जो 11th और 12th के हैं, और कुछ चीज़ें 9th 10th की होंगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिक फिजिक्स ऐसा है जो कि सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ें देखी होंगी, बस वही फिजिक्स है। हाँ, जो लोग 12th करके आएंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि सब कुछ इसमें 11th 12th का ही लेके है, तो वो पढ़े होंगे 11th 12th का फिजिक्स, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, जो 10th करके आएंगे IIT में, उनके लिए थोड़ी सी टफ होगी, बट उनके उनको भी उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 10th में भी ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिक्स की हम लोगों को 11th 12th में पढ़ने को मिला है, जस्ट वैसा ही आपको मिलेगा। और ये मैं बता दूं आप लोगों को, इसका एग्ज़ाम होता है 50 मार्क का, मतलब कि 50 नंबर का, और आपको इसमें लाने होते हैं 17 मार्क। जैसा कि आप लोगों ने पिछले कई क्लासों में एग्ज़ाम दिया होगा, पता होता आप लोगों को पता होगा कि 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हमको 17 नंबर पासिंग लाना होता है, तो ऐसे इसमें भी है। और दूसरा है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या है दोस्तों, इसमें भी वही बेसिक की चीज़ें हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं दोस्तों कि बेसिक केमिस्ट्री में भी वही चीज़ें हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि बेसिक केमिस्ट्री, समझ रहे हैं आप लोग। बेसिक केमिस्ट्री वही 11th 12th का, अब आप लोगों को पता होगा 11th 12th के जो भी केमिस्ट्री है वो भी 9th 10th के जुड़े हुए हैं। यदि आप 9th का नहीं पढ़ेंगे तो 10th का केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे, 10th का नहीं पढ़ेंगे तो 11th 12th नहीं समझ पाएंगे, तो मतलब एक दूसरे से सब चैन की तरह बने हुए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, दूसरा जो टॉपिक आपका है वो अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो कि बहुत ही इजी है, आप लोग आसानी से सब कुछ अच्छे से कर लोगे, चाहे 10th वाला लड़के हो जो पास करके आए हो, या तो 11th 12th कर पास करके आए हो। और मैं बता दूँ, ये भी 50 मार्क आप लोग का एग्ज़ाम होता है। अब ये 50 मार्क का एग्ज़ाम आपका होता है दोस्तों, तो मैं बता दूँ कि 50 मार्क में इसमें भी आपको जैसे कि 17 नंबर पासिंग होता है, तो जस्ट सेम वही चीज़ इसमें भी प्रोसेस है, यानी कि 17 नंबर आपको पासिंग मार्क लाना होगा। अब हम तीसरा बात करेंगे दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल। अब ये कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, इसमें इंग्लिश है, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल मैंने इंग्लिश आगे लिख दिया है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग ये समझ सकें कि इसमें है क्या है इंग्लिश। इसमें बेसिक ग्रामर चीज़ें हैं, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि ग्रामर वाली चीज़ें, तो ग्रामर तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना, 6 7 8 9 10 11, तो हर जगह मिलेगा आपको ग्रामर, वही बेसिक ही ग्रामर है। अब जैसे कि मैं बता दूँ बेसिक ग्रामर क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब सेंटेंसेस, मतलब यही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं बता दूँ इसका भी एग्ज़ाम आपका 50 मार्क का ही होता है, इसमें भी आपको लाना होता 17 ही। और मैं अब बात करने वाला हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो चौथा आप लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या है, अब इस पर चर्चा करेंगे। इसमें भी वही बेसिक मैथ है। अब बेसिक मैथ दोस्तों, मतलब देखिए हर जगह आप लोगों को बेसिक ही चीज़ें मिलेंगी, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं है, बस बेसिक ही चीज़ें हैं, यानी जो पहले से आप लोग पढ़ के आए उसी के बारे में दोबारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बस वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सब लोग अच्छा करेंगे, और इसमें सब लोग अच्छा करते भी हैं। और देखिए ये भी 50 मार्क का होता है आपका, इसमें भी 17 नंबर आपके लिए पासिंग होता है। तो ये था आप लोगों के लिए बेसिक्स मैथ यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब हम पांचवा बात करें दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग।
पांचवा जो है दोस्तों आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों ने अभी तक सुना ही नहीं होगा, हाँ सुना होगा तो बट पढ़ा ही नहीं होगा, जाना ही नहीं होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये एकदम नया आप लोग के लिए, ये बिल्कुल एकदम नया मिलेगा आप लोग के लिए। मतलब वो ड्राइंग ना समझ लीजिएगा कि लोटस का फूल बना दो, मोर बना दो, कमल फूल, मतलब नहीं, खरगोश, ये सब बत, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी इसमें ड्राइंग बनाने के लिए। इसमें वो सब चीज़ें भूल जाइएगा दोस्तों आप लोग, इसमें 2D 3D में फिगर बनता है आपका। तो ये बिल्कुल आप लोग के लिए एकदम नया होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगा एकदम से ही नया होगा, आप लोगों ने इसके बारे में अभी पढ़ा ही नहीं होगा। तो ये था पांचवा आप लोगों का दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग। और जो छठवां आप लोग का है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्या दोस्तों छठवां है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ये तो बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, सब लोगों ने शुरू से ही, मतलब शुरू से क्या, जब से आप लोग जानने लायक होंगे तब से हर चीज़ों को देखते आए होंगे आप लोग, वो इसी के बारे में पढ़ना आपको। अब मैं बता दूँ इसमें क्या क्या है, इसमें सीमेंट है, ईंट के बारे में पढ़ना है, दरवाज़ा के बारे में पढ़ना है, मतलब यही सब, गिट्टी, बालू, कंक्रीट, तो यही सब चीज़ें पढ़ना है, जो कि एकदम बहुत ही ईजी चीज़ है आपको, इसके लिए आप लोगों को एकदम थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेने, वो आराम से, मतलब सब लोग इसमें अच्छा करते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना इसमें सभी लोग अच्छा करते हैं। तो यही सब आपका सिलेबस है दोस्तों, बस यही आपको 5-6 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि बहुत ही ईजी है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग घबराएं नहीं, सब कुछ आपका फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक है और सब लोग अच्छा भी करते हैं, आप लोग अच्छा करेंगे भी। चलिए दोस्तों मैं बस अपने वीडियो को बंद करना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल्स पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आप लोग के लिए वो आप लोग तक पहुँचे हमारा वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।